You see that? This is my. I was fighting with Tira Beauty back and forth. मेरा बेजिंग यहीं पे हुआ था. मेरे पेट में ना बहुत जोर का दर्द उठा. Hello everyone, welcome back to another vlog. केमन आछो शबाई. So अभी ना पिछले अगले दो दिन में हम बहुत सारे एक्टिविटीज करेंगे. एक्टिविटीज मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है. सुनो, मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है वीडियो बनाने का, इसलिए हम अभी आप लोगों के साथ मेरा एक वीकेंड शेयर करने वाला है, विच इज ऑफ द सैटरडे एंड संडे. नाउ अ लॉट हैव हैपेंड आफ्टर गेटिंग लास्ट ऑफ माय वीडियोस जो कि अपलोड हो चुके हैं सारे के सारे, बट आई एम स्टक समवेयर इन बिटवीन. मेरे को नायका पिंक सेल के दौरान ना बहुत सारे वीडियोज वगैरह बनाने थे, रिकमेंडेशन वगैरह देने थे, बट द थिंग इज दैट something was off with me and I'll tell you in one of my dedicated videos or stuff agar man hua to aur agar ye video chhota hua by chance to hum zarur share karenge. Anyways, so now that you know that I'll go for a trip, a foreign trip for the first time. Yes, so bahut sare parcels wagera aa rahe hain mere. मेरा सूटकेस भी आ गया है. बाय द वे, आई एम गोइंग टू शो यू माय सूटकेस. दिस इज एक्सट्रीमली स्वीट. कल ही आया है बट हम वापस उसको डब्बे में डाल दिए. यू रियली वांट टू सी द व्लॉग दैट आई विल गोइंग टू डू फॉर नेक्स्ट टू डेज, देन यू हैव टू कीप ऑन वॉचिंग बिकॉज मेरे को इसमें स्क्रैचेस नहीं चाहिए. यू सी दैट, दिस इज माई सूटकेस गाइस. और बहुत सस्ता पड़ा था, अमेजोन से लिया था, बहुत ही सस्ता पड़ा है. ठीक है, वैसे इसका प्राइस 7000 है बट आई ओनली गॉट इट फॉर 2400. अगर मन आई मीन यू जस्ट कैन सी दिस थिंग फर्स्टली. सेकेंडली, तुम आप लोगों को आइडिया भी नहीं है मेरे घर में अभी कितने पार्सल्स आ रहे हैं और कितने पार्सल्स जा रहे हैं. दिस इज़ माई नायका लक्स बॉक्स दैट आई हैव टू ओपन नो टाइम. मेरे शूज़ वगैरह तैयार हो रहे हैं. एज आई सेड, हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे, तो जूता, नायका लक्स के प्रोडक्ट्स, मेरा सफारी का सूटकेस. और आज एक्चुअली मेरे को ना डिनर पे जाना है मेरे हस्बैंड के साथ, बहुत मन कर रहा था. तो आई थॉट दैट बिकॉज वी विल लीव द सिटी इन फ्यू डेज नाउ, अब तो डेज ही होगा काउंट के हिसाब से. सो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड, ट्रस्ट मी. और सेकेंडली आई विल डू अ मेकअप. अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम डेडिकेटेड वीडियो बनाए या 1 मिनट के शॉर्ट वीडियो में आपको मेरा मेकअप दिखा दे आज का. फिलहाल तो अभी हम लंच करने वाले क्योंकि टाइम हो रहा है 4, तो लंच तो नहीं है वो, पता नहीं ब्रंच है. ब्रंच से बाद भी सपर और लंच को ऐड करेंगे तो लपर, सॉरी फॉर द बैड जोक, लपर करने वाले हम अभी. मेरा आँख नहीं खुल रहा, देखना आँख ही नहीं खुल रहा था. एनीवेज, बेल बजाए तो इसका मतलब फिर से कोई पार्सल आ रहा है फॉर श्योर, आई कैन गारंटी यू दैट. ये पालक पनीर जो कि हम बनाए हैं, थोड़ा सा लेमन, क्योंकि पालक पनीर में लेमन नहीं लिया तो क्या लिया. आज हम पराठा खाएंगे, वैसे हम चावल खाते हैं बट क्योंकि आज रात में डिनर थोड़ा हेवी होगा तो हम चावल आज अवॉइड किए, विच इज़ ब्राउन राइस ऑब्वियसली. एंड दैट्स माई क्यूक्यूम्बर एंड पराठा जो कल का है. हम कल 50 रुपए का पुचका खा के आ गए थे. गोलगप्पा, पुचका, पानी पतासा, पता नहीं क्या क्या बोलते हो बट पुचका इज द बेस्ट वर्ड. ओके, पुचका सबसे रिलायबल है. पुचका आफ्टर माई लपर, एज आई लपर मीन्स आई मीन माई लंच एंड सपर कम्बाइंड लपर, आई केम अप विद दिस ओनली बिकॉज इतने इंटेलिजेंट है हम. इट वॉज दैट नायका बॉक्स जो पहले बिगनिंग में दिखाया ना, तो वो हम खोल के देखे. ठीक है, सो आई गॉट दिस सोल दे जनेरो का ब्राजीलियन केस वाला लिप बाम फॉर फ्री. ओके, इट्स अ लिप बटर, इट्स नॉट लिप बाम, लिप बटर. एंड इट हैज़ 6.2 grams ऑफ प्रोडक्ट इन इट. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेल यू समथिंग. ओके, तो हम तो इसको खोल लिए एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वेयर फॉर द गिफ्ट. ओके, लुक एट दिस, दिस इज द प्रोडक्ट. ओके, लुक एट दिस, लुक एट दिस एंड टेल मी कि ये आपको रिमाइंड नहीं करता है फेविस्टिक के जैसा. आई एम टेलिंग यू व्हाई, यू ओपन दिस. ओके, और ये फेविस्टिक जैसा ही घूमता है और ये फेविस्टिक जैसा ही दिखता है, देखो ना. बट दिस इज एक्सट्रीमली यमी. जैसे इसको आप ढक्कन खोलोगे, इसमें से आपको
वनीला कपकेक जैसा स्मेल आएगा और आपको खाने का मन करेगा। बट आई डिडंट टेस्ट इट, बट मेरे को, और अब जैसे लिप में, और पता नहीं ये किसके लिए कन्वीनियंट है, ये इतना बड़ा लिप्स किसका होता है, आई डोंट नो। सच में ऐसा लग रहा है कि बोलते हैं ना, मुंह में सेलो टेप लगा लो, नहीं मुंह में फेविस्टिक लगा लो। आई टुक इट सीरियसली एंड आई एम गोना डू दिस। आई टेल यू समथिंग, I'll tell my husband to give me this dialogue. मुंह में सेलो टेप लगाओ जाके। I'm sorry, I'm just wasting my time and yours. But then, this is so yummy, so hydrating. अभी कितनी देर रहता है वो तो अब समय बताएगा। Now that I told you that I have to get ready to be on dinner, Beijing, Chinatown. I'll get ready in few hours, okay? Not now. अभी तो हम James Charles का एक वीडियो देख रहे हैं, बट ये मेरे को आना था और ये बोलना था। Expected है, शाम का टाइम हो रहा है तो आरती तो होगा, तो फिर बजेगा ही शंख वगैरह। Anyways, so recently I got a product from Tira, और मेरे को ना, why I'm telling you I don't know, but मेरे को बताना ज़रूरी है because अभी तक मैंने इसको कहीं अपडेट नहीं किया है। As I have seen so many changes on my hair after using this product, और ये है ना उनका एक ब्रांड है, not उनका ब्रांड, that's the Decora Urban Fit, या Fit Beauty Curl वाला शैम्पू। If I turn around and you see the perfect curls, how did I get it without any hassle or irons or rollers or anything as such? It's this. Look at this. My curls have never been so prominent, but jitni baar hum is ye na kam se kam yahan aa chuka hai aur itna pasand aa raha hai mere ko ye use karna. Iska conditioner by the way out of stock ja raha hai. And I expecting that अगर वो जैसे ही आएगा ना, urban Decora Urban Fit is a Spanish brand और उनके ये body care और hair care ranges है, but अगर आप Instagram check करोगे ना, उनके wide ranges of product है, यहाँ से partially आया है सोचो। But I love this one. I don't know अगर curl shampoo के यही effect आते हैं, because this is the first time ever that I got specifically a curly shampoo for my hair, and that's the perfect curl I ever achieved or got. Anyways, so अभी time हो रहा है almost 6:30. I'm going to get ready for the dinner as I said. और फिर घर आके ना मेरे को थोड़ा calculations वगैरह देखना होगा for the trip and all, और मेरे को एक list बनाना भी है बहुत जल्दी, because I have to follow those list while I'm visiting the country. The foreign place I'm going to visit. Also, if disclaimer, if you see me using this Sol de Janeiro ka fave stick comes a Brazilian case Dolce Light, because I'm obsessed now. Okay, 3-4 बार use कर चुके हैं। Now that I'm going to do my makeup, तो चलो अच्छे से prep कर लेते हैं अपने lips को। This is like favorite stick that you will get, but it's expensive, hella expensive. Trust me, it's expensive as hell. It's 2,000 rupees. Anyways, let me get ready and I'll be back. I have to take my husband from his office. I have to pick him up and then we'll go for the dinner and I'll show you where we are going. Okay? और मिनी ब्लॉग भी बनेगा इसका, बिकॉज आई हैव टू अल्टरनेटिवली बी एज एक्टिव एज पॉसिबल, बिकॉज मेरे बस है उसका कोई रीज़न। आई कांट बी मोर हैप्पी टू से दैट टीरा ब्यूटी का एक प्रोडक्ट मेरे को रिटर्न करना था, वो सिंस 10 डेज आई हैव बीन स्ट्रगलिंग टू रिटर्न दैट। ओके, नॉट रिटर्निंग एक्चुअली, आई गॉट missing products, partially missing products. So I was fighting with Tira Beauty back and forth. Finally, abhi picked up hua, abhi. And I'm glad and I'm happy. It's 2200 rupees ka product. I'll tell every single thing. Agar, as I said at the beginning of the
व्लॉग, अगर वीडियो ज्यादा लंबा नहीं गया ना तो हम आप लोगों के साथ वो स्टोरी जरूर शेयर करेंगे। एंड आई गेस एवरी वन शुड नो दिस थिंग्स कि एक्चुअल में होता क्या है इन जनरल। और अगर आपको थोड़ा सा भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है व्हाइल रिटर्निंग द प्रोडक्ट और क्लेमिंग फॉर द पार्शियल मिसिंग प्रोडक्ट्स, कितना हेक्टिक हो सकता है। आई एम गोइंग टू टीच एंड आई एम गोइंग टू गाइड यू एवरी सिंगल थिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली टीरा, ये किसी के साथ भी हो सकता है इन एनी ई कॉमर्स वेबसाइट। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू, बट अभी ना हम इतने खुश है ना, आई कांट इवन टेल यू दैट, ट्रस्ट मी। सो आई एम ऑल रेडी एंड आई एम गोइंग फॉर द डिनर। शोभिक का छुट्टी जल्दी हो गया है तो मेरे को जल्दी जल्दी निकलना होगा, दैट्स वाई आई एम इनकम्प्लीट विथ माई इयर रिंग्स एंड ऑल माई एक्सेसरीज, इवन दो आई हैव वोर्ड इट बट सम ऑफ इट आर लेफ्ट। सो लेट्स गो फॉर द डिनर एंड आई विल टॉक लेटर ऑन, ओके। बस मेरा इतना ही है, इधर तक का ही है। पास लगा होगा इसलिए। अरे नहीं, सस्ता ही होता है, सबके लिए ओपन होता है ये वाला। कितना? हार्डली 500 का होगा। इफ यू हैवंट गेस्ड ऑलरेडी, नहीं एक्चुअली हम मेंशन कर चुके हैं ना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इधर चाइना टाउन पड़ता है, तो विच इज टेंगड़ा। टेंगड़ा का चाइनीज ही पूरे इंडिया में फेमस है, इंडो चाइनीज यहीं से इन्वेंट हुआ था। इफ यू गाइस डोंट नो, आई एम जस्ट गिविंग यू सम FYI। ये देखो, दैट्स वन ऑफ इट। ओके, व्हाट एक्चुअली इंट्रीग्ड मी फॉर टुडेज डिनर, आई एम टेलिंग यू, ओके। तो एक तो वो जो बेजिंग बोल के रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पे घुसने के बाद ही दिखता है, इधर जहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं वहीं पे पहला ही रेस्टोरेंट वो पड़ता है। तो क्या हुआ ना, कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहे थे हम, एक बड़े शेफ का ही है, मतलब ज़्यादा यूट्यूबर्स नहीं, मतलब ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं है, बट देन एट द सेम टाइम उनके कुछ फॉलोवर्स हैं। एंड समहाउ बेजिंग की जो मालकिन है, दैट इज मोनिका आंटी, हम आंटी बोलेंगे क्योंकि शी इज़ वेरी एजेड, मोनिका आंटी के साथ उन्होंने डिनर किया था, मील शेयर किया था। क्योंकि बेजिंग मेरा फेवरेट प्लेस है ऑन अर्थ फॉर चाइनीज, ड्रम्स ऑफ हेवन इज वन ऑफ अ काइंड, आई लव सो मच। तो मेरे को उसके बाद से क्रेविंग लगने लग गया एंड आई वॉच दैट वीडियो मे बी ऑन वेडनेसडे और आज सैटरडे एंड आई हैड टू हैव इट, यू नो आई जस्ट हैव टू। Now I'm going to make a video of Beijing restaurant. Wait. ये रहा बेजिंग, यहीं पे हुआ था। इनके अपने भी एक और होटल है, वो टूंग फूंग अपना नाम बता रही थी शायद, वो भी उन्हीं का ही है, बट वो पुराना है, ये 24 साल पुराना है, ज़्यादा नहीं। ओके, रेस्टोरेंट एड्रेस এখানে আছে, ইউ সি দ্যাট উই হ্যাভ দ্য ফোন নাম্বার নাও। हमारा डिनर हो गया बाय द वे, हम लोग कुछ पार्सल भी करा है, ये रहा पार्सल। द फैक्ट इज दैट मेरे से ज्यादा खाया नहीं गया एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि मेरा एपेटाइट ना थोड़ा सा अभी कम हो गया है, बिकॉज लेटली आई हैव बीन नोटिसिंग दैट। शोभिक के बर्थडे के डिनर पे जो गए थे ना, वहाँ पे भी हम बहुत कम खाए थे, बिकॉज आई थिंक आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट, आई डोंट नो वॉट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर, बट देन इफ आई एम ईटिंग लेस आई एम गुड, बिकॉज आई हार्डली ईट नाउ डेज, ऐसा हो गया है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद ईटिंग डिसऑर्डर और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई ईट क्लीन मील्स लेटली। सो मे बी ये हो सकता है कि हम अभी कम खाने लग गए हैं, बिकॉज आई ओनली हैड द ड्रम्स ऑफ हेवन एंड थोड़ा सा चिली पेपर चिकन, बस ये खाया। बट यहाँ पे नूडल्स वगैरह ले लिए अगर बाई चांस रात में भूख लगा, क्योंकि इट्स 10 o'clock एट द मोमेंट, अगर भूख लगेगा तो फिर एटलीस्ट जगेंगे, आज सैटरडे है तो खा लेंगे इसीलिए। अदरवाइज द फूड इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। अगर कोलकाता आओगे कभी, या आप कोलकाता के ही हो, आप मेरा ब्लॉग फॉलो करते हो, यू मस्ट विजिट चाइना टाउन का बेजिंग, बिकॉज हाँ सर्विस ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ह्यूज सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा होगा, पीपल हु सर्व मील्स एंड स्टफ,
बट आई डोंट माइंड, वी डोंट माइंड बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स और बहुत भीड़ रहता है, सो इट्स फाइन. सो दैट्स हाउ. बट द मील आर एब्सोल्युटली स्टनिंग, वहां आप कंप्लेन नहीं कर सकोगे एक आध चीजें छोड़ के. सो आई एम फाइनली होम यू गाइज, एंड नाउ आई जस्ट हैव टू रिमूव माई मेकअप एंड आई जस्ट हैव टू prepare myself for the sleep, I guess. आज का व्लॉग यहीं खत्म होगा, कल कंटिन्यू करते हैं. बहुत सारे प्लानिंग्स वगैरह तो थे as I said and mentioned, but the thing is that I'm not sure how much I'm gonna continue because I'm feeling a little, I don't know, uneasy for no reason, okay? For no reason I'm feeling extremely uneasy. Hi, so it's Sunday you guys, so As I mentioned yesterday, last night को हम बोल रहे थे ना कि मेरा ना थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है. Somewhere around 2:30 या 40 AM मेरे पेट में ना बहुत ज़ोर का दर्द उठा एंड आई न्यू इट देन एंड देयर कि मेरा पेट ख़राब होगा. गेस वॉट, वही हुआ. सो गेस करने का कुछ भी नहीं है ऐसे. सो आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दोज थिंग्स. 4 बजे सोए हैं हम सुबह, मेरा पेट दर्द 4 बजे के आसपास ठीक हुआ. सो देन आई गेट गॉट माई स्लीप, देन आई स्लेप्ट एक्चुअली. अभी सुबह से हम सिर्फ दही चूड़ा खाए हैं क्योंकि दैट्स वेरी गुड फॉर योर स्टमक एंड स्टफ. मेरा प्लानिंग तो था कि हम चाइना टाउन से नूडल्स लेके आए थे अपने लिए, वो नूडल्स अब मेरे नसीब में नहीं है तो हम नहीं खाएंगे वो नूडल्स. हम खाएंगे आलू शेद्दू भात. बंगालियों का पेटेंट होता है ये, पेट खराब हो, तबीयत खराब हो, बुखार हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आलू शेद्दू भात कैन रिवाइव यू, कैन सेव योर लाइफ. मेरे साथ वही होगा. आई विल हैव माय लंच और हम अभी तैयार भी होंगे. आई जस्ट टुक माय बाथ एज आई मेंशन. तैयार होते हैं, खाना खाते हैं, फिर आई विल टेल यू व्हाट आई विल डू नेक्स्ट. हम व्लॉग शूट करना ही भूल गए कि हम ऑलरेडी तैयार है और हम निकल चुके हैं फॉर दिस शॉपिंग. बट उससे पहले शोविक को ही हैज टू रन सम एरेंड्स, सो लेट हिम डू दैट एंड देन वी विल गो फॉर द शॉपिंग एंड स्टफ. शॉपिंग वैसे तो देखो दुर्गा पूजा दिवाली का जो था उसका उससे हो जाएगा काम. इट जस्ट दैट कि हम लोग को लेना है शोभिक का, उसको पैंट वगैरह चाहिए. सो दैट्स हाउ वी हैव टू गेट इट, यू नो, जस्ट लाइक दैट. अरे कितना अच्छा लग रहा था रोड फाका फाका, अभी देखो. कोता देख कोता उठ गए. ऑलिव्स है तो कौन? हम लोगों का शॉपिंग. अब हम लोग जाएंगे घर. मेरा बहुत हेडेक हो रहा है, ऐसा जनरली होता नहीं है. मे भी इसलिए हो सकता है क्योंकि तबीयत खराब था तो आज हम सुबह चाय नहीं पिए थे. सो द बेस्ट थिंग अबाउट टूडेज शॉपिंग वॉज आई गॉट अ नार्स का कंसीलर फॉर माई सेल्फ दैट आई वॉज लुकिंग फॉर लाइक फॉर मंथ्स नाउ, जब से इंडिया में लॉन्च हुआ है नार्स. बट आई डिडेंट गेट इट, गेट माई हैंड्स ऑन बिकॉज ऑफलाइन अवेलेबल नहीं था. सो द ओनली ऑफलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ द नार्स कॉस्मेटिक्स इज एट दिस साउथ सिटी मॉल शॉपर स्टॉप. ओके, दैट्स आवर शॉपिंग बैग और ये हमारा ट्रॉली है विच वी गॉट. सी आई हैव टोल्ड यू मेरे से बाहर वीडियो नहीं बनाया जाता है, घर में हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बक बक कर सकते हैं इधर. सो ये हमारा सूटकेस होगा, इसके अंदर भी एक और प्रोडक्ट है, शोविक का चप्पल है, बट दैट्स इट. और मेरा कंसीलर दैट्स फ्रॉम मार्स, यू माई कंसीलर शेड एंड दैट्स फ्रॉम नॉट मार्स, आई एम सॉरी आई सेड मार्स बट इट्स नार्स. एज आई सेड नार्स सिर्फ अवेलेबल है पूरे ईस्टर्न कोलकाता में, आई मीन कोलकाता ओवरऑल एंड दैट्स इन साउथ सिटी मॉल. वाई डिडन दे कॉल मी, बिकॉज हम एक्चुअली मनी स्क्वायर और सिटी सेंटर वाले शॉपर स्टॉप में इन्फॉर्म कर रखे थे कि दैट वेन एवर द नार्स विल लॉन्च इन ऑफलाइन स्टोर्स इन साउथ सिटी, आई मीन इन शॉपर स्टॉप, मेरे को इन्फॉर्म किया जाए. बट क्योंकि वहाँ लॉन्च ही नहीं हुआ सो
आई वेंट टू द साउथ सिटी मॉल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। शोविक को शॉपर स्टॉप में सब चीज खरीदना था। घुसते ही मैंने देखा कि नार्स लॉन्च किया हुआ उधर, एंड आई वाज लाइक व्हेन डिड यू गाइस लॉन्च ऑफलाइन हियर। तो उन लोगों ने बोला कि नवंबर 10th से दे आर रनिंग ऑफलाइन एट ओनली साउथ सिटी मॉल वाले शॉपर स्टॉप में। सो दैट्स माय शेड एंड आई नो दैट इट्स डार्कर देन माय स्किन टोन। आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज आई हैव एक्सट्रीमली डार्क सर्कल, ठीक है। सो माय शेड इज मीडियम टू डीप वन बिस्किट। अकॉर्डिंग टू दैट गाय माय वन टोन डार्कर इज बिस्किट, एक्यूरेट वन इज प्रलैन और प्रलैन शेड, और वन शेड लाइटर इज जिंजर, और मेरा शेड है फाउंडेशन का NC35 फिक्स फ्लूइड फाउंडेशन, और शार्लेट टिलबरी का 7.5 न्यूट्रल वो जो मैट वाले फाउंडेशन, एयर ब्रश फ्लॉलेस फाउंडेशन, नॉट दी ग्लो वन, ओके। सो इन दोनों का अगर शेड वेरिएंट है तो मेरा रेडिएंट क्रीमी कंसीलर शेड होगा बिस्किट। दैट्स व्हाट दे सेड, ओके। वहां पे ट्राई किया, वहां के वार्म लाइट के वजह से ना मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो आई विल गोइंग टू ट्राई दिस अगेन। अगर ये डार्क हुआ भी आई डोंट माइंड, बिकॉज आई ऑलवेज ऑलवेज प्रेफर बाइंग अ डार्क शेड एंड अ लाइटर शेड, सो दैट वो एडजस्ट हो जाए। फॉर द विंटर्स लाइटर शेड काम आ जाते हैं, फॉर द समर्स एंड अदर मंथ्स मेरे डीपर शेड्स काम आ जाते हैं। इनकेस अगर डीपर एग्जैक्ट शेड नहीं मिलता है, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज डू विथ माई फाउंडेशन एंड टिंटेड मॉइस्चराइजर। एक डार्क शेड खरीदते हैं और एक लाइटर शेड खरीदते हैं, उसको दोनों को पंच कर देते हैं, जैसा कंडीशन रहता है वैसा हम यूज करते हैं। That's how you can get your skin colors ka factors. Now, undertones वगैरह भी बहुत matter करता है. This is something in peachy tone, a hint of peachy tone in biscuit shade. कभी use करेंगे online तो हम करके दिखाएंगे. Which I will want to use along with the Laura Mercier translucent powder. Awesome. बहुत जोर से हेडेक हो रहा है तो मेरे को अब खाना पड़ेगा मेरा मेटोपार दवाई, दैट इज फॉर माय साइनस। और फिर मामा मेरे को चाय बना दे रहे हैं आज, क्योंकि सुबह चाय नहीं पिए थे ना, मेरे को इसलिए लगता है कि मेरे साथ ब्लंडर हो गया। एक और ब्लंडर हुआ, हम कोस्टा कॉफी पिए थे फ्रॉम साउथ सिटी मॉल एंड आई थॉट दैट इट विल बी चीपर देन दी स्टारबक्स। गेस व्हाट, कैपुचिनो मिलता है वहां पे हेजलनट वाले फ्लेवर का 325 रुपीज। इससे अच्छा तो हम फ्रैपुचिनो ही ले लेते स्टारबक्स का, ग्रांडे साइज का आ जाता मेरे को, अरियाना ग्रांडे वाला साइज, आई डोंट नो, बट हाँ समवेयर अराउंड वैसा ही अमाउंट लगता है। आई वाज लिटरल शॉक, लिटरल हम तो कभी नहीं पियेंगे कोस्टा कॉफी से। माय स्टारबक्स इज फाइन विद मी, आई एम फाइन विद द स्टारबक्स, जज मी इफ यू वांट, आई डोंट केयर। But we will be getting ready for the movie. I'm not going to change my outfit. यही पहनेंगे हम और movie देखने के लिए जाएंगे। Animal इधर ने भालू नुंगा पाती है। Bloodshed. Bloodbath. How many people are there though? See that? It's the only one that we have to go and it's not clean yet. See the situation. We are standing. इट्स टाइम फॉर मी टू रिव्यू एनिमल मूवी, बट उससे पहले हम कुछ बता देते हैं। आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट आई एम अ लिटिल शाय पर्सन व्हेन इट कम्स टू व्लॉगिंग आउटसाइड माय कंफर्ट जोन, सो वी कैन जस्ट स्किप दैट, ओके। Now, the thing is, movie कैसा था, क्या है, नहीं है, resembles क्या क्या है, I'm going to tell you everything. Please don't mind my face because something went wrong to my right side वाले आँख में, I don't know what happened. We can skip that too. Okay, there is some point that I have to mention. Firstly, movie पहले half में जैसा बताया जा रहा था कि मिसोजिनिस्टिक है, मिस्टीरियस वे में प्रेजेंट किया गया, आई नो इट वॉज सिंपल, लाइक सिंपल नॉट सिंपल वे सिंपल, बिकॉज आई एम वेरी यूज टू ऑफ द ब्लड द गन्स द वायलेंस, आई लव दोज थिंग्स, ओके जज मी, ओके जज मी, आई एम टेलिंग यू टू जज मी, बिकॉज मेरे को नार्कोस पसंद है, मिर्जापुर पसंद है, बॉम्बे मेरी जान पसंद है,
सो आई मीन ट्रेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स मेरे को अच्छे लगते हैं ये सब. जेफरी डेमर के स्टोरीज अच्छे लगते हैं, क्रिमिनल ट्रू क्राइम थ्रिलर वाले सीरीज मूवीज ये सब पसंद आते हैं, तो आई नेवर रियली माइंड. बट एट द सेम टाइम मेरे को ब्रिजिटन टाइप के सीरीज भी पसंद है, सेक्स एजुकेशन पसंद है. सो इधर आई एम जस्ट वॉचिंग सम ट्रू क्राइम थिंग्स जो कि मेरे को मर्डरर बना सकता है, और आई एम वॉचिंग एकदम मीडियोकर कॉलेज स्कूल वाले सीरीज जो कि लाइट हार्टेड होते हैं. सो व्हाई आई मेंशन ब्रिजिटन एंड अदर स्टफ, बिकॉज इसमें ना आपको कुछ कुछ रिजेंबल दिखेंगे 50 शेड्स ऑफ ग्रे, फिर कुछ कुछ एक रिजेंबल बहुत एक्यूरेट था दैट इज फ्रॉम द क्वीन शार्लेट विच इज अ पार्ट ऑफ ब्रिजिटन ऑन नेटफ्लिक्स. एक पर्टिकुलर डायलॉग है उसके वजह से मेरे को वो रिजेंबल दिखा. यू विल सी द ब्लड बाथ, यू विल सी द गन वायलेंस एवरीथिंग सेकेंड हाफ में भी, फर्स्ट हाफ में भी है थोड़ा बहुत, सेकेंड हाफ में भी है. वेयर इट कम्स टू द मिसोजिनिस्टिक एंड लाइक ग्लोरिफाइंग समथिंग विच वी वेयर विच यू शुड नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द स्पॉयलर पार्ट, बट मेरे को लगता है हम जब तक मैं ये अपलोड करेंगे ना तब तक मैं ऑलरेडी स्पॉयलर्स जा चुके होंगे बहुत जनों के पास. सो द चीटिंग पार्ट इज द फैक्टर दैट आई एम वेरी अगेंस्ट ऑफ, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको लास्ट में दिखेगा, क्योंकि उसके लिए आपको बैठ के देखना पड़ेगा लास्ट में एकदम, तो पता चलेगा कि क्यों हम ये मेंशन कर रहे हैं कि चीटिंग पार्ट शुड नॉट बी देयर. वो मिसोजिनिस्टिक वाला बिहेवियर चीटिंग पार्ट वॉज द ओनली बमर पार्ट एज आई बिलीव्ड. बॉबी देओल को थोड़ा और स्क्रीन प्ले देना चाहिए था, दैट्स व्हाट आई विल से. Other than that, I love the movie and I'm waiting for the Animal Park, if that's the name of the movie. Otherwise, movie is fantastic. Narcos, Bombay Meri Jaan, Narcos Mexico, Mirzapur, Tandav, सबके थोड़े 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 आपको स्प्रिंकल रिजेंबल दिखेंगे, और ब्रिजिटन का तो ऐसा सॉल्ट पे वाला सा लगेगा क्योंकि एक ही डायलॉग है वहाँ से लिया गया. आई लव द मूवी, आई लव एवरीथिंग, एंड विद दैट बीन सेड आई हैव द मोस्ट अमेजिंग टू डेज ऑफ द वीकेंड ऑफ माई लाइफ. आपने एनिमल मूवी देखा, क्या पॉइंट ऑफ व्यू बताते जाना, पता है मेरे को कोई कमेंट नहीं करेगा. 70-80 कहाँ से व्यूज आते हैं मेरे को खुद को भी नहीं मालूम, क्योंकि कमेंट करोगे तो अच्छा लगता, बट ठीक है. आई नो हु यू गाइस आर. वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो यू हैव टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग वीडियो व्हाटएवर कमिंग अप वेरी सून.